तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिर्फ AI टूल को यूज करके कुछ इस तरह का कार्टून फोटो बनाना सिखाऊंगा। तो आपके यहाँ पर सबसे पहले फोटो लिया ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तब डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपके यहाँ पर सिंपल से एडिट अ फोटो वाले आइकन पर टच कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जिस फोटो को भी एडिट करना चाहते हो उसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपके यहाँ पर नीचे कितने सारे आइकन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको सबसे पहले AI फिल्टर वाले आइकन पर टच कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सीन नाम का एक आइकन दिख रहा है, सिंपल इस पर टच कर देना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। इसके बाद आपके यहाँ पर नीचे कितने सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी इफेक्ट को यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं दूसरी वाली इफेक्ट को यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो उस इस तरह से हमारा दूसरी बार भी फोटो बना दिया है। अगर आपको ये फोटो भी सही ना लगे तो फिर से आपको एक बार इस वाले इफेक्ट को टच कर देना है, तो दूसरी बार हमारा फोटो बना के दे देगा। तो इस बार कुछ इस तरह से हमारा फोटो इसने बना के दे दिया है। इस वाले फोटो को अब मैं डन कर रखता हूँ। इसके बाद आपके यहाँ पर राइट वाले आइकन पर टच कर देना है, फिर आपके यहाँ पर सेव वाले आइकन पर टच कर देना है और यहाँ से आपको सिंपल से इसको सेव कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। इसके बाद आपके यहाँ पर पेज को कुछ इस तरह से कट कर देना है और यहाँ से आपको एक साइड ऐप को ओपन कर लेना है, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर एडिट फोटो वाले आइकन पर टच कर देना है और यहाँ से आपने जिस फोटो को भी अभी फोटो लेप के अंदर एडिट किया है उसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको ऐड फोटो वाले आइकन पर टच कर देना है और इसका एक ओरिजिनल फोटो को ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो इसका ओरिजिनल फोटो भी आ चुका है और इसके यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको छोटा कर देना है और यहाँ से इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से जूम करके फुल्ली फ्रेम पे सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इरेज वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से इसके हार्डनेस को थोड़ा कम कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर देना है और यहाँ से फोटो को थोड़ा जूम कर देना है और यहाँ से इसके अपने फेस पर इसको अप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद आपके ऊपर सिंपल से राइट वाले आइकन पे टच कर देना है, फिर आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको एडजस्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है, फिर कॉन्ट्रास्ट पेन है और इसे यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है, फिर आपके यहाँ पर सैचुरेशन पेन है और इसे भी यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। इसके बाद आपके यहाँ पर ह्यू पेन है और इसे भी यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है, फिर आपके यहाँ पर हाईलाइट पेन है और इसे यहाँ से थोड़ा कम कर देना है, फिर आपके यहाँ पर शेडो पेन है और इसे यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है, फिर आपका टेम्परेचर पेन है और इसे भी यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से राइट वाले आइकन पे टच कर देना है और एक बार आपके यहाँ पर राइट वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करना है, यहाँ से आपको सिंपल सेव वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर सेव भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।